हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो अभी यहां पर अपलोड करी है जो एक पेनी स्टॉक्स है 200 परसेंट के रिटर्न यहां पर सीधे बनते हुए नजर आ रहे हैं ओके okay, और मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं मैं कोई आके बंद करके नहीं बनाता ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स बनाता हूँ तो जाके वीडियो को देखिएगा लास्ट तक देखिएगा पूरे देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए और आज हम बात करने वाले एक स्टॉक्स के रिलेटेड जिसका नाम है बालाजी अमाइस शेयर का चार्ट बता रहा है कि मुझे भागना है शेयर का अभी रिजल्ट आया है वो कह रहा है कि मुझे भागना है तो जब सबकी चीज कह रही है कि मुझे भागना है मुझे भागना है तो ऐसे शेयरों पर दाव लगाना चाहिए ऑब्वियस सी बात है तो हम बात करेंगे इसके रिजल्ट से रिलेटेड कंपनी के पर और भी कुछ फैक्ट्स से से रिलेटेड रिलेटेड और चार्ट से वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने बेल आइकन नहीं हिट कर रखी है जिसकी वजह से वीडियो नहीं पहुंच पा रही और वीडियो ऑब्वियस सी बात है पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके रिजल्ट उसका आउटपुट आपको मिल सके मैं आ, मैं हमेशा कह रहा हूं कि अगर हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हो और नाइनटी परसेंट वीडियो हमें सक्सेसफुल सक्सेसफुली रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है इन द सेंस शेयर भागता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं हमारी स्टडी काफी अच्छी होगी वो माँ सरस्वती की कृपा है बट स्टिल यहाँ पर जाके वीडियो देखिए शेयर करिए ताकि उन्हें भी चीजें समझ में आए और मैं यहाँ पर दूसरा चैनल इन्वेस्ट नितेश कुमार इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ट्विटर पर मैं यहाँ पर चीजें डाल रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए पर पे, as well as यहाँ पर ट्विटर एज एज वेल देख लीजिए आप इंस्टाग्राम पे भी चीजें आ रही है तो आप यहाँ पर आ जाके एक बार देख सकते हैं तो बालाजी अमाइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करिएगा कुछ नहीं एक बटन को ही दबाना है तो सबसे पहले नंबर पे आएंगे बालाजी अमाइंस के तो यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर के ये लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर के रिजल्ट है इन इनलेक्स में रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट है स्टैंडर्ड ऑन देख लीजिए या देख लीजिए दूसरा दोनों के दोनों बेहतरीन रिजल्ट है रेवेन्यू ऑपरेशन की बात करूँ इक्यावन हजार चार सौ पिचासी इससे पहले इकसठ हजार नौ सौ इससे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उनतालीस हजार एक सौ तिरसठ तो सिंपल सी बात अगर हम देखें तो ईयरली बेसिस पर रिवेन्यू बढ़ रही है क्वार्टरली बेसिस पर रिवेन्यू थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है मतलब टोटल रिवेन्यू देखे तो पांच सौ सत्रह करोड़ रुपए के आसपास की रिवेन्यू है इससे पहले छह सौ चौबीस पहले तीन सौ पिचनवे तो रिवेन्यू ईयरली बेसिस पर बढ़ रही है क्वार्टरली बेसिस पे घट रही है अब बात करते हैं रेवेन्यू चलो ठीक है बट भी क्या साथ साथ बढ़ रहे हैं वो चेक करना बहुत जरूरी है तो अगर हम देखेंगे सब चीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देख लीजिए कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कम कर दिया है कुछ यहां पर एक चीज ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है चेंज इन इन्वेंट्री जो कि यहाँ पर नेगेटिव में इसका भी इफेक्ट यहाँ पर इसके एक्सपेंसिस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे आ, तीन सौ तिरानवे थ्री नाइन्टी थ्री करोड़ रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर क्या हुआ है एक्सपेंसेस इससे पहले पाँच सौ तीन करोड़ था जो कि ह्यूज अमाउंट थी एज वेल एज बात करें इससे पहले दो सौ छियासी करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंस था तो ईयरली बेसिस पे तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं जैसे यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू घटे था तो एक्सपेंस भी घटे एंड दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट कि यहाँ पर शेयर अगर आप देखेंगे टैक्सीज एंड ऑल देने के बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट है वो नौ आप देखेंगे नाइन्टी टू करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इससे पहले मैंने लास्ट क्वार्टर में, में करोड़ का और इससे पहले भी अगर एक साल पहले एटी वन करोड़ तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट क्या है एकदम धासुआ है और एज वेल एज मार्जिन की बात करें तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मार्जिन का इफेक्ट सीधे यहाँ पर एक्सपेंस एक्सपेंसिव होता है तो ओके एक्सपेंस यहाँ पर कम हो गए कंपनी के तो मार्जिन भी यहाँ पर बढ़ते हुए आए हैं तो कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल बेहतरीन आया जो कि ईपीएस में भी देख सकते हैं कि अट्ठाईस का ईपीएस हो गया इससे पहले पच्चीस और इससे पहले पच्चीस तो ईपीएस बढ़ना याद रखिए ईपीएस का बढ़ना एक पॉजिटिव सिग्नल होता है इस हमेशा तो यहाँ पर देखिए कि कहाँ कहाँ से यहाँ पर इनके रिवेन्यू आती हुई दिखाई दी है तो इनकी रिवेन्यू एमआई साइंस स्पेशलिटी केमिकल से आई है होटल डिवीजन से मतलब इनका होटल भी होगा उनसे यहाँ पर लगभग बात करें 618 करोड़ रुपए लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास की रिवेन्यू आई है आ, तो यही रिवेन्यू है इसके बाद अनलोकेटेड से यहाँ पर

जब भागती है तो काफी बेहतरीन तरीके से बड़ी अच्छे रिटर्न देती है जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर 2020 में कितने रुपए का दो रुपए का इसके बाद शेयर कितना गया दो रुपए का स्टॉक्स लगभग पांच हजार रुपए की जर्नी तय करके आया था यहाँ पर देख सकते फिफ्टी टू हंड्रेड के आसपास और उसके बाद गिरावट होके लगभग आधा हो गया था सत्ताईस के आसपास का ये शेयर होता हुआ नजर आया था और अभी छत्तीस के आसपास का है पी रेश्यो की बात करें 32 का इंडस्ट्री का 24 का है और अच्छे स्टॉक्स हमेशा आपको 30 आ, अच्छे मल्टीप्लिकेशन के पीई पे ही मिलेंगे इसे भी याद रखिएगा आरओसी आरओई बेहतरीन 50% और 34% बहुत कम होता है कि स्मॉल कैप शेयर में ऐसा मिले इसके अलावा यहां पर बात करते हैं प्लेजिंग कोई प्लेजिंग ने डेट ना के बराबर डेट पीजी रेशो एक के नीचे पॉजिटिव पॉइंट प्रॉफिट पांच साल का लगभग पैतीस पैंतीस परसेंट के हिसाब से बढ़ा है सेल्स अट्ठाईस परसेंट के हिसाब से बढ़ी है तो सारी की सारी पॉजिटिव पॉइंट दिखा रखी है इंट्रेंसिक वैल्यू पे यहाँ पर शेयर आ गया था कुछ टाइम पहले डिविडेंट uh, डील की बात करें लगभग पॉइंट वन सिक्स परसेंट है फेस वैल्यू यहाँ पर देखें तो दो रुपए दो रुपए के आसपास की फेस वैल्यू है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कंपनी का देख सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न दिया लगभग चौतीस रुपए का शेयर था और एग्जैक्टली exactly हम अगर कैलकुलेट uh, करना चाहे

और हाईएस्ट एवर अभी भी नंबर्स यहाँ पर सेल्स थोड़ी सी कम हुई है ओके बट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली बेस पे तो मार्जिन अच्छा आएगा ही आएगा ईयरली बेसिस पे भी मार्जिन कंपनी का अच्छा आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे हम देख सकते हैं ग्रोथ किस तरीके से यहाँ पर होती हुई नजर आई है दो में क्या थी दो में क्या थी तो शेयर को ऊपर ही जाना है शेयर को नीचे नहीं आना है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है तो यही चीजें बताती है कि जब चीजें अच्छी बढ़ रही हो और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सब चीज बढ़ रही है तो चीजें अगर हम यहाँ पर इन भी इस दौरान पे पकड़ लेते हैं ना तो याद रखिए हमारा पैसा और और इतने साल का वेट कर लेते हैं

कैश की बात करें 52 करोड़ का कैश है और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दे तो प्रोमोटर्स के पास 53.7 परसेंट की होल्डिंग है जो कि यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है एफ ने देखिए इस क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है डीआईएस ने इस क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है पब्लिक की बात करें 41 फोर्टी वन परसेंट की हिस्सेदारी है उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है तो, सब कुछ यहाँ पर अच्छा नजर आता है। तो इस शेयर की तरफ क्या करना है और शेयर नीचे नहीं गिर रहा है तो अच्छा भागेगा यहाँ पर देखिए शेयर अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है रिजल्ट के बाद ओके तो रिजल्ट के बाद मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि रिजल्ट के बाद चीजें अगर गिर जाती है देखिए हमने कुछ दो दिन पहले वीडियो बनाई थी दस तारीख को मैंने आपको बताया था कि अगर रिजल्ट के बाद अच्छे रिजल्ट आने पर चीजें गिर रही है अपॉर्चुनिटी है कर लीजिएगा रिटर्न मिलेंगे तो ऐसे ही मैं जब बात कर रहा हूँ बालाजी अमाइंस की ओके की यहाँ पर शेयर गिर रहा है रिजल्ट आया है शेयर गिर रहा है एक परसेंट सवा परसेंट के आसपास शेयर गिर गया है तो एक अपॉर्चुनिटी है तो इस चीज को आपको समझना होगा इसके बेसिस पे आपको क्या लेना होगा एक्शन अब बात करते हैं यहाँ पर इंट्राडे अगर कोई करना चाहता है लॉन्ग टर्म अगर करना चाहता है लॉन्ग टर्म करना चाहता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है खरीद लीजिएगा ओके बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा मैं अपनी स्टडी करके आपको बता रहा हूँ जिस दिन शेयर ही इस पर्टिकुलर लेवल से जो आज का हाई है अड़तीस सौ चौबीस लेवल से निकला शेयर यहां पर धूम मचाएगा अच्छा खासा भागेगा ओके और इस लेवल से भी निकलना इसे बहुत जरूरी है यहाँ पर ये वाला लेवल है ओके okay, इस लेवल से उनतालीस के आसपास के लेवल से निकल जाए शेयर अपने आप धूम बचा देगा और जो यहाँ पर जो ये टारगेट है ना ये यह यहाँ पर आपको बहुत जल्दी मिलते हुए फिर नजर आएंगे सीधे यहाँ पर आज के हिसाब से तैतालीस परसेंट के रिटर्न मुझे लगता है एक से दो क्वार्टर में मिल जाएंगे बट चीजें यहाँ पर जब गिर रही है तो कहां तक गिरेगी उस चीज पे भी तो हमें जवाब देना है उस चीज को भी तो हमें सोचना है कि ये शेयर अगर गिर रहा है तो कहां तक गिर सकता है तो उसके बारे में अब यहाँ पर जवाब है ये ओके शेयर यहाँ पर गिर रहा है ये जो लाइन है ना पैंतीस रुपए की पैंतीस सौ चौसठ रुपए की लाइन काफी बेहतरीन लाइन है यहाँ पर टच करके चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी और अगर यहां से भी टच नहीं करती तो याद रखिए फिर दूसरी लाइन ये ओके तो, तो यहाँ से तो चीजें ऊपर जानी है तो थोड़ा सा चीजें नीचे आ रही है आने दीजिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और शेयर लीजिएगा वेट करिएगा शेयर अपने आप यहाँ पर भागते हुए विद इन थ्री और, और फाइव डेज और एक महीने दो महीने में भागती हुई नजर आएगी और अच्छे खासे रिटर्न आपको देती हुई नजर आएगी एज वेल एज मैंने यहाँ पर जो ये यह शेयर यहां पर था मैंने आपको बताया था उसके बाद शेयर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है राउंडिंग बॉटम में जो यहाँ पर लग रहा था और यहाँ पर से ही सबसे पहले यहाँ पर शेयर भाग गया आज तो गिरने का टाइम आता हुआ नजर आ रहा है अब क्या हो रहा है अब दोबारा राउंडिंग बॉटम दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे राउंडिंग बॉटम करेगा इस तरीके से राउंडिंग बॉटम काम करेगा और ये राउंडिंग बॉटम यहां पर बनता हुआ नजर आएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है मल्टी बैगर स्टॉक्स है ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए केमिकल स्टॉक से ज्यादा रिटर्न और कोई नहीं दे रहा तो केमिकल स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट कर लीजिए शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें नॉलेज मिल सके एक वीडियो बनाइए यहाँ पर दो के रिटर्न मिलेंगे इसे देख लीजिए ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर प्लस